दास श्री हरिदास को जीवत है समाय के कुंज विहार और न सो कर सके अपनी को अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को कुंज विहार लाड़ली कुंती सब कछ हो कुंज विहार लाड़ली कुंते सब कछ हो जगत में परशु परशु जो बिगरे गिरावरी हो भगत जो बिगरे गिरावरी हो भगत ताते तुम सो कह तो आपने पाते तुम सो कहते हूँ भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ देओ भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ देओ भरपूर यह बात प्यारी हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सब इतिहारे मेरी लाज लाडली तो ही सब इतिहारे वचन का सिद्धांत के माध्यम से हम आश्रय जन्म के बहुत प्रकार से समझाते हैं उपदेश करते हैं। एकमात्र मानभावों का आगमन ही आप लोगों को बताते रहते हैं जीव को समझावे के ताही हूं होवे है। अगर ये नहीं समझा है तो ये अनिटिक जीव या कि समझ में कछु आ ही नहीं सके स्वयं आचार्य महानुभाव बराबर कहते हैं सुने बिना समझे नहीं समझे बिना न सयान बिन सयान क्यों है सके दास किशोर समान। जब तक हम महत्पुरुषों के शरणार विंदों में रति करके उनके वचन श्रवण नहीं करेंगे
तब तक परमार्थ का रास्ता प्रशस्त होना दुर्लभ है। तो बिना सुने समझे कहा, बिना सुने कुछ समझ में नहीं आया जी मर, और समझे बिना न सयान, और बिना समझे चतुर नहीं हो सकता। सुने बिना समझेंगे नहीं और समझे बिना चतुर नहीं होंगे। काय के चतुर, हरि प्राप्ति के चतुर, संसार के चतुर नहीं। निद्रा मैथुन भकन वह सहस वैस हो, अनुभव भगवत भजन को भाग वांग ले। ये संसार आसक्ति की चार बातें हैं, ये तो अपने आप सिद्ध होती है जीव को। निद्रा है, भय है, मैथुन है और खाना है, भोजन। ये चार बात, अनुभव भगवत भजन को भाग मान ले। भगवत भजन का अनुभव, हरि भजन का अनुभव, हरि शरणागति, हरि प्राप्ति के लिए साधन करना, ये तो कोई भाग्यवान जिसके ऊपर कृपा होती है, जो हरि गुरु संतों के रहस्य को समझता है, इनके चरणों में प्रीत करता है, वही इस सुख को प्राप्त करता है। नहीं तो सब जो है उसी कीचड़ में पड़े हैं। भगवान लय कोई होए जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लें भेष धारी भविष्य आ जा महाराज। तो बिना सुने समझे कहा, समझे बिना न सयान, बिन सयान क्यों है सके दास किशोर समान। अपना एक अनुभव बता रहे, कल एक जो है भक्त, बड़े प्रवीण भक्त हैं स्वामी जी के, अपना अनुभव बता रहे, और हमारा भी अनुभव है और सभी संत भक्तों का अनुभव है कि इस जीव का पतन कैसे होता है। ये सत्संग से अलग हो जाए, जब इसको सत्संग प्राप्त नहीं होता तो क्रमशः इसको माया पकड़ लेती है, साधन सभी ढीले हो जाते हैं। अगर हरि प्राप्ति चाहिए तो जीवन पर्यंत इसको सत्संग में रहना चाहिए। बोलो स्वामी जी, एक दिना सुन लिया, एक दिना बैठ लिए, दस दिना बैठ लिए, हो गए निहार, ऐसे बात नहीं बनेगी। जीवन पर्यंत अपने आप को सत्संग के अर्पण करना होगा, हरि गुरु संतों के अर्पण करना होगा, तभी ही जो है ये जन्म सफल होगा। जितना हम उनके सानिध्य में रहेंगे, जितना अधिक से अधिक समझो, उतना ही हरि का सानिध्य है, अंतर नहीं। ये तो अंतरवास में ते तो जान वास, इसका आधार भी, इसका मतलब भी यही है। जब आप हरि गुरु संतों का यानी संत गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो बराबर वही चर्चा मिलेगी, मन वही इधर उधर भटक भटका के मन वही रुकेगा, मन भटकेगा नहीं संसार, जैसे तैसे वही घेरा मंदी में रहेगा। जब इनका संग छोड़ा, सुनना बंद किया, तो अनुभव है फिर भटक जाए। इसलिए हमको स्वामी जी की कृपा मनाते हुए बराबर संत रसों का संग चाहिए, अगर जीवन सफल कर। ऐसे नित्य सिद्ध महापुरुष आते हैं, परम सिद्ध महापुरुष आते हैं, जो महाराज अपने स्वभाव से ही भजते सहज, लेकिन जो आशक्त जीव को, जो संसार आशक्त जीव है, इसको तो बराबर ही और अपने को हरि प्राप्ति के लक्ष्य में संत गुरु का सानिध्य प्राप्त करना ही करना है हमेशा। बिन सत्संगन हरि कथा की, बिन मोहन भाग, मोह गई बिन राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग। वो संतुष्ट जी
बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपावन सुरवंश। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता इस प्राणी को, और ये सत्संग हरि की कृपा से, ये घड़ियां और ये दिन भी उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। ऐसा मन बन जाए काउ भाग मिलो सत्संग ताकि सेवक लागो रंग श्रीहरि। तो बिना सत्संग में हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं मिले। प्रीत करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? तेविन मोहन भाग, और जब हरि की कथा नहीं सुनेंगे, हरि के विषय में चर्चा नहीं सुनेंगे, स्वामी जी महाराज का आचार्यों का चरित्र, दयाल जी महाराज का कथा, आज आज अपने परंपरागत सूत्र नहीं सुनेंगे, तो हमारा अनुराग परंपरा में और परंपरा के रहस्य में, परंपरा की जो है धरोहर में, संपत्ति में कैसे अनुराग होगा? कैसे हम नित्य सुख को, प्रिया प्रीतम के सुख को समझने के लिए अग्रसर होंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हमको संग भाज, तो बिन सत्संग मन हरि कथा ते बिन मोहन भाग। जो जन्म जन्मांतर से मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधियों का मूल जो मोह है वो बिना सत्संग के वो भागता नहीं, दूर नहीं होता। बिन सत्संग हरि कथा ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद को इन दृढ़ अनुराग। भूषण दर्ज कह रहे हैं ये आसक्ति नहीं समाप्त होगी, तो दृढ़ अनुराग हरि के चरणों में नहीं बनेगा। तो इसका शुरुआत प्रारंभ सत्संग से है और सत्संग में ही समाप्ति है। पूरे जीवन पर्यंत हमको सत्संग चाहिए। तो ये मोह है ना, जिसने ग्रस रखा है बहुत जन्मों से, ये मोह पलायन कर जाए निश्चित रूप से, और हरि आसक्ति हो जाए। पूर्व जो है श्री महाराज कह चुके हैं कि ग्रस्त में रहते हुए संत हो जाते, बच्चों का पालन करते हुए वहां भक्तता संतता आ जाती। कब? जब जाको बनते घर भलो हरि कथा साध संजोग, जैसे औषधि विष मिले अरे व्याधि कफ रोग। ऐसे पुरुषों का व्रक्त होने से ग्रस्त भी अच्छा, हरि कथा साध संयोग, जहां हरि की कथा में मन है, प्रवचनों में संतों के में मन है, और संत सेवा में मन है, हरि कथा साध संयोग, संतों का संयोग बनना है, सानिध्य प्राप्त हो रहा है सज्जनों का, जैसे औषधि विष मिले, जैसे यद्यपि गृहस्थ जो है विष के समान है, लेकिन विष को जब शोधन के कर दिया जाता है वैद्य के द्वारा, वही विष एक अमृत का काम करता है, एक परम औषधि का काम करता है। उसी प्रकार जिस गृहस्थ में हरि चर्चा, संतों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य, हरि सेवा, सेवा परायणता आज आज सभी शत्रुगुण हैं, तो वो ग्रस्त नहीं रहा, वो विष नहीं रहा, वो एक औषधि बन गई। ऐसे ग्रस्त का भी कोई सानिध्य प्राप्त करता है, वो भी अमर हो गया। स्वामी इसलिए जाको बनते घर भलो हरि कथा साध संजो, जैसे औषधि विष मिले हरे व्याध। श्री दयानंद महाराज के पद को एक पद की थोड़ी लाइन बताते, जो को सांचो सम्मुख भयो दीनो नित्य विहार। पूज्य पाद जी बाबा और एक जो है और संत थे, कई एक संत रसिक जन कहते थे पूर्व समय में, जो को सांचो सम्मुख, चाहे कोई ग्रस्त में है चाहे व्रत है, विहार जी महाराज सांचा देख साचो सम्मुख वह दीनों ने। बात ग्रस्त और व्रत की नहीं है, नरकसूरी देव जी महाराज ने वचन का सिद्धांत में बहुत विशेष रूप से वर्णन किया है। यद्यपि ये वस्तु व्रतों की शरण से ही प्राप्त होगी,
इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन फिर भी वस्तु प्राप्ति में अंतर नहीं बताया। ग्रस्त में रहकर भी गहरी विहरण के नित्य सुख में हम अपना भाग बना सकते। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। तो महाराज कहते ज्ञान जी महाराज, जो को सांचो सम्मुख भयो दीनो नित्य, जो सांचे सम्मुख, बात सांची की, सांच बिना हरे हाथ न आमे सब रहनी है ढीली, नाचे गावे चित्र बनावे बात करे चटकीली, और सांच बिना हरे हाथ न आमे सब रहनी है, बात सच्चाई की, कपट नहीं होना चाहिए। जिन दीनों धन ज्ञान प्राण मन तिन्हीं को दीजे, हम कपट करते हैं। जिन बिहारी बिहारी ने स्वामी जी बिहारी जी ने हमको मनुष्य जन्म दिया, भारत भूमि दी, अपनी शरण दी, वृंदावन धाम दिया, अपना नाम दिया, सारे साधन हमारे बना दिए, अपने मिलने के, उनसे हम कपट करते हैं। संसार में आसक्ति करते हुए संसार की वस्तुओं को अपना मानते हम हरि से कपट कर। ए हरि मूसोन बिगारन को तोसोन समारन को मूर तो परी हो, इसमें यही तो बात दिखलाई महाराज ने। हे प्यारे मूर और तो होड़ पड़ी हुई, तेरे समान तो कोई बनाए वारो ना है, और या जीव के समान कोई बिगाड़े वारो ना है। और अंत में कहते हैं, लेकिन छोड़ना मत प्यारे, इस होड़ में कभी कभी तो तुम्हारे शरणागत हम हो ही जाएंगे। ऐसे कृपा दयालु है, और ये अनभिज्ञ जीव ऐसा अपना बिगाड़ना ही चाहता है। कहते हैं, जोरावारी हरि गुरु संत या को भलो करते हैं, ये भलो जानत नहीं भलो कासो कहियत, ये जीव भला नहीं जानता, भला हमारा किसमें, ये तो अपना बुरा करने में ही भला मान रहा है। संसार में आसक्ति, संसार का वैभव, इसमें आसक्त रहने में, इसी में अपने आप को भला मान रहा है। तो जबरदस्ती हरि गुरु संत इस जीव का भला करते, इसको समझा समझा के और समझ भी कोई बड़भागी ही मानते हैं, सब समझ मानते भी नहीं। बहुत कृपा है जो आचार्य जनों की, संत जनों की, गुरुजनों की समझ को स्वीकार करके अपने जीवन को सफल करे। तो विषय है बिना सुने समझे कहा। तो आचार्य महानुभावों ने बड़ी कृपा करी है कि हमें सब क्रम क्रम से ये सब रहस्य समझा रहे हैं। करत करावत आप हरे नाम न अपनो रहे, जैसे दयालु हरि स्वामी महाराज ने हम सबको जो है आनंदित कर रहे हैं। जो वस्तु भगवत स्वरूपों के लिए दुर्लभ है, उस सब हमको समझा के उस नित्य वस्तु को प्रदान कर, और फिर भी जो अभागे नहीं ले पाए, नहीं समझ पाए, तो दिया उनके लिए कर रहे हैं। आज के प्रसंग में महाराज कहते हैं मनुष्य के लक्षण, मनुष्य की लक्षण सब जीवन को सुखदाता है, सब जीवन को सुखद विचारो दुखदन काहू सब जीव प्यारो। मनुष्य की लक्षण क्या है, सब जीवन को सुखदाता है काहू को दुख न दे। अष्टावस प्राणेशु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परति। व्यास जी ने दो वचन कहे, 18 प्राणों का निष्कर्ष कि भैया अष्टावस प्राणेशु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परति से सबसे बड़ा पाप क्या है, दूसरे को दुख पहुंचना, और पुण्य क्या है, दूसरे को सुख देंगे। हम किसी को दुख देंगे तो निश्चित दुख आएगा, और सुख देंगे तो सुख आएगा, सीधा व्यास और सभी ग्रंथों का सार। चार वेद 18 प्राण में बात कही है, दो सुख दे सुख होते है, दुख दे
ये हिंदी अनुवाद श्लोक का बात है। हमें यहां के सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठना है। रोहिहरी जी की जय। यहां के सुख में भी नहीं अटकना है और दुख में भी नहीं अटकना है। दुखी सुखी शमिक पाला पाला दूर जाए। यहां के दुख में जो सुख में जो दुख के दो दुख जाए। यहां के दुख भी और सुख भी दोनों ही दुख है, केवल भ्रम है। हमको उससे ऊपर उठना है। लेकिन मनुष्य के लक्षण क्या बता रहे हैं महाराज? कि सब जीवन को सुखदाता है, पाऊ को दुख न दे। ऐसो मनुष्य हजारन में एक। हजारों में होता है ऐसा मनुष्य, ये मानवता के लक्षण। और जो सबको दुख देने वाला रहता है, अपने लिए सुख चाहता है, वो कौन है? दानव। जो अपने लिए सुख चाहता है, दूसरों को दुख देना, वो मानव नहीं है, वो दानव है। और दानवता और दानव से आगे मानवता, तो मानवता के गुण है कि काऊ को दुख न। सब जीवन को सुखद विचारो, दुख दन काऊ सब जीव प्यारो। किसी को दुख न ऐसे नरक में एक जानो, ऐसी कवन मत मानो। ऐसो प्राणी हजार में एक होता है। जो देना चाहे ऐसा प्राणी उसके अंदर मानवता के गुण है। अब भक्तता कैसी जी? हजारन में एक हरि को भक्त साधारण। ऐसे हजारों में जो सब जीवों को सुख देना चाहे, ऐसी जिनकी वृत्ति है, मानवता की वृत्ति है, ऐसे हजारन में एक वो श्रेष्ठ है जो हरि की साधारण भक्ति करता है। विशेष भक्ति नहीं, साधारण ही करता है, लेकिन हरि की करता है। चला साधारण हरि की किसी भी स्वरूप का साधन। तो अब उन हजारों से आगे है हरि भक्ति की निर्माण। अब ऐसे हजारों में जो हरि के साधारण भक्त हैं, हरि को भक्त साधारण होई, पुन हजार में एक है जो कोई। दिन स्वरूप पहचानो अपना, हरि के चाह मिलन ही रखना। ऐसे हजारों साधारण भक्तों में एक ऐसा भक्त हो जाने अपने स्वरूप को जान के पहचान के और हरि के मिलने की चाह रखे अपने स्वरूप। जब समझे अपरूप को तब ही सब सुख हो, और देह बुद्धि में जो भजे तब में सुख। तो ऐसे हजारों में से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया। अधिकांश लोग करते क्या है, हरि के सभी स्वरूपों को भजते हैं। भगवान कृष्ण के उपासक हैं, बाल भाव की भी उपासना कर रहे हैं, सख्य भाव की भी कर रहे हैं, और महाराज लीला को भी समझ रहे हैं, सबको एक मिला के कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के एक स्वरूप का चिंतन मनन अगर बाल भाव के उपासक हैं, वात्सल्य भाव के, तो उसी का चिंतन करना चाहिए। अगर दास भाव के उपासक हैं, तो दास हम सखा हैं ऐसा भाव माने। संगार रस के उपासक हैं, तो अपने आप को उनकी गोपी सखी माने। एक भाव अगर सभी को मानेंगे तो हरि की जो पद्धति है, हरि प्राप्त होने का जो लक्ष्य है, वो बिगड़ जाए। सभी माने एक, हाँ वो तो अलग विषय है, लेकिन अगर भावों में भी हम सबको एक मानेंगे तो हरि प्राप्ति नहीं होगी। और अब भज अपने भाव, ज्ञानेन्द्र महाराज ने कहा है, भक्ति करो भगवान की समझ सभी पर भाव, सभी सो निर्वैरता यूं भज अपने। भाव में दृढ़ होना चाहिए, एक भाव। अगर सभी भावों को मानेंगे ठाकुर के और सभी अवतारों को मानेंगे एक अवतार में और एक अवतार की एक लीला में एक भाव में, श्रृंगार रस के उपासक हैं तो श्रृंगार रस के
वात्सल्य भाव के उपासक हैं तो वात्सल्य भाव ऐसे करते तो साधारण हरि के हजारों भक्तों में एक हरि का जिसने अपने स्वरूप को और अपने इष्ट के स्वरूप को और उनके मिलने की चाह हृदय में तो ये सबसे आगे है। ऐसे हजारों में जो मिलन की चाह है ऐसे हजारों में एक ऐसा पुरुष होता है ऐसा जो है हरि का अनन्य अनुयायी होता है आप तुम हरि प्राप्त और जीवन मुक्त जो है अपने आप को हरि प्राप्त कि मेरे को वस्तु प्राप्त प्राप्त में संशय नहीं तन मन वचन विहारिन लाडली यही हमारी ये निश्चित है ऐसा कर लिया है प्राप्ति में अंतर ही नहीं मुझे प्राप्ति है लक्ष्मी महाराज कह रहे हैं जिसकी ये टेक है कि प्रिया जी हमारी है हम प्रिया जी के स्वामी जी हमारे हैं एक ही भाव है हरि हमरे हम हरि के प्राण हरि हम लोग एक समान तन मन विचरण किए आम समझे को रसिक सो ऐसा रसिक भाव है ऐसी रसिकता है बिना ममत्व एकत्व में ऐसा जगत है भरत भलेरा प्रभु जी हो तेरा तू मेरा ऐसा एकत्व जब ऐसा एकत्व है तभी ऐसे ममत्व है बिना ममत्व एकत्व ऐसा ममता ऐसा एकत्व वो अनन्य तो वो समझो जीते जी हरि प्राप्त तो ऐसो हजारन में महाराज ने बताई जब समझे अपरूप को सब तब ही सब सुख बुद्धि व जो है ताम है सुख नहीं हो अपने नित्य स्वरूप को समझने निश्चित कर ले ये मेरा स्वरूप ये मेरे इष्ट का बड़ों से समझ के इस जीवन में ये निश्चित जितना हमने निश्चित कर लिया इस जीवन में समझो वहां तक हम पहुंच चुके अगर सामान्य उपासकों के भाव में कमी रह गई और जहां तक निश्चित हुआ आगे नहीं बढ़ पाए तो अगले जन्म में मन से शुरुआत होती है जितना हम पहुंच इसलिए जो कछु समझो तो अब समझो फिर समझ हम कछु ना आए इसलिए अब समझ लेना है हमको जहां से समझ में कच्चाई रह जाएगी उसी कारण से जन्म लेना पड़ेगा हरि प्राप्ति मंत्र इसलिए अपनी वस्तु को समझने के लिए हमको दृढ़ रहना है कोई संकोच नहीं महापुरुषों के चरणों में सानिध्य प्राप्त करके और अपने को और अपने इष्ट के स्वरूप को अपने स्वरूप को समझ के और वस्तु में दृढ़ हो ये समझना ही तो इस जीवन में इस जीवन का लक्ष्य समझते नहीं आलस बस संकोच बस किसी न किसी कारण से समझना नहीं चाहते अभिमान बस आलस बस संकोच बस अभिमान बस इन कारणों से समझना नहीं चाहते महापुरुषों के पास जाना नहीं चाहते उनके चरणों में बैठना नहीं चाहते अपने आप ही आपको ज्ञानी मानते अभिमानी मानते इसीलिए इस जीवन को अधकचरा उपासना भी कर रहे हैं लेकिन समझ के अभाव में उनके पास बैठने के अभाव में और किसी कारण से अपने भीत को नहीं खोल पाते हो वहीं से कच्चे रह जाते समझना पड़ेगा अब नहीं समझोगे फिर जन्म लेना पड़ेगा आगे फिर समझो इसलिए अभी समझ रहे जब समझे अपरूप को तब ही सब सुख हो तभी सब सुख होंगे जब अपना स्वरूप समझ गए स्वरूप को समझ के इष्ट के स्वरूप को समझ के और उपासना देह बुद्धि वह जो वजह तामे सुख नहीं हो मैं करता हूं ऐसा जब भाव रहता है उसमें सुख नहीं उसमें विकृति होती करते कराते हो जो है बेकार हो इसलिए अहंकार रहत होके अपने स्वरूप को समझना
तो ऐसे हजार में ऐसा पुरुष हुए जो आपको हरि प्राप्त जीवन मुक्त मानेंगे सर्वोपर जीवन मुक्त हरि प्राप्त, तो उनको जीते जी हरि प्राप्ति होती है। ऐसे निजी जान श्री स्वामी हरिदास की मन हिन आवे आन बिन निकुंज रसमाधि। तेन निजी जान श्री स्वामी हरिदास वास्तविक अनन्य कौन है? तन के अनन्य मन के, मान लीजिए तन की अनन्यता बहुत, लेकिन मन की अनन्यता नहीं, तन से अनन्य भाव होगा उनको कहीं नहीं जाना। कहूं जिन जाओ निर्भाय पने जो चारि पोषण दुख, युग बाप की लाख टका से छाट पांच टका। तन की अनन्य उनको मन का अनन्य होगा। बिन निकुंज रस मार्ग दी, जो निकुंज रस मार्ग दी है क्रिया पूर्ण की, जो केल मार्ग दी है अवचिन्न रूप से विहार कराए, उसमें मन को निमग्न करना है बड़ों से समझ के, तब पूर्ण रूप अनन्य भाव होगा। निज ज्ञान श्री स्वामी हरिदास ऐसे मनहन आवे आन बिन निकुंज रसमान, ये निकुंज रसमान अखंड नित्य विहार हृदय में कैसे बिहार प्रायण है पदों के माध्यम से आचार्य ने बिहारी बिहारी की जो गुड़ के लिए है वो व्यक्त, और हम जनों के लिए हम जनों के हित में एक एक पद सिद्धांत का हो रस का स्वामी जी महाराज अथवा स्वामी जी महाराज के परंपरागत मानुभाव रसकाचार्य सब ने जो व्यक्त किया है हम जनों के हित में बड़ी कृपा कर, तो हमारा समझने का पूरा पूरा प्रयास और हमारा अधिकार वस्तु को समझने बराबर प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस जन्म में जहां तक हमारी समझ पहुंच जाएगी उतने ही समझो हम वस्तु के प्रति आगे पहुंचे, और जहां समझ ओछी रह जाएगी, अभी बताया ना संकोच बस अभिमान बस आलस बस, वो वहीं से कच्चे रह जाएंगे। आज मन मेरे धरे से
चारु मंजुरेचरणारिवी कुंती चंपा सिद्धांति लक्ष्मी